साचि प्रेत बिनु ठाम न पाया। मंदिर सो कछु घिन नहीं, मस्जिद सो नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। 600 साल पहले उस व्यक्ति ने काशी में रहकर के जहां हाथी के पैर तले कुचल दिया जाता था, जो आदमी जवान खुलता था, रविदास जी और कबीर साहब सामंतवाद के जमाने में, पुरोहितवाद के जमाने में डरे नहीं। आज हम डरते हैं हमारा कोई फोटो नहीं खींच ले, हमारा वीडियो वायरल नहीं हो जाए, उन्हें सरकार हमें जेल में नहीं डाल दे, हमारा ट्रांसफर नहीं हो जाए। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, उन लोगों ने कैसे कहा। पान पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यहां से तो चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का भला हो जाता है, मैं पूरे पहाड़ों को पूज दूं। यहां से तो चाकी भली, पुराने जमाने में चक्की चलाई होगा आप लोगों ने भी, माता बहनों ने, बुजुर्गों ने चलाई है ना, हमने सबने, वो चक्की भली जो सारे संसार का पेट भर देती है। अरे प्रथम पूजा तो उसकी होना चाहिए। कितनी बड़ी बात, कितनी साइंस की बात कही हमारे महापुरुषों ने, जो पत्थर कहां आ रहा है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन देवता कौन है? मातृ देव भव, माता देवता, पिता देवता है, आचार्य देवता है। लेकिन हम देवता को नहीं मानते, हम किसको मानते? लेवता, लेवता, बकरा लेवता, मुर्गा लेवता, पौवा लेवता। बहुत सारी जगह दारू भी पीते देवता लोग, पंडे पुजारी दारू भी पीते, तो लेवता को हम देवता मान रहे हैं। देवता कौन है? ये असली देवता, जिंदा देवता को नहीं मानेंगे, मरे हुए देवता को मानेंगे। तो लिखा है, ए जी जात पात के फेर में उरज रहे सब लोग, और मानसता को खाते हैं रविदास जात कर लो रोग। तो लिखा है, अरे मेहनत को भगवान बना रविदास बताया रे, मेहनत को भगवान बना रविदास बताया रे। आप भी थोड़ा गाइए साथ में, आनंद आएगा। अरे मेहनत को भगवान बना रविदास बताया रे, मेहनत को भगवान बना रविदास बताया रे, मानवता और बुद्धिवाद का पाठ पढ़ाया रे, मानवता और बुद्धिवाद का पाठ पढ़ाया रे। अरे माथे तिलक हाथ जप माला नहीं उलझना रे, माथे तिलक हाथ जप माला नहीं उलझना रे, पौरुष को हथियार बना भव पार उतरना रे, पौरुष को हथियार बना भव पार उतरना रे, पराधीनता पाप है ये पाठ पढ़ाया रे। रविदास जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ी गुलामी कौन सी है? पांच प्रकार की गुलामी है, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी। तुम पिछले जन्मों के पापी हो, तुम्हारे कर्म खराब थे, इसलिए तुम गरीब के घर पैदा हुए हो। मानसिक रूप से लाखों करोड़ों लोगों को गुलाम बना दिया, तुम्हारे कर्म खराब है इसलिए बीमार हो। अस्पताल में क्यों जाएगा आदमी? उसको बता दिया कि तुम्हारे कर्म खराब थे, तुम्हारा पिछला जन्म, तुमने 84 लाख योनियों के पापी हो। मामी पार्थ विपास रहती अभी स्वापाप योनिया स्त्रियों वैश्या तथा शुद्रास्त भी पराम गति। गीता के 9वें अध्याय का 32वें श्लोक में स्त्री शूद्र और बनिए को पाप योनि कहा है। अरे जिस माता ने हमें जन्म दिया अपने खून से सींचा, वो पापी कैसे हो सकती है? जिस शूद्र ने खेती की, मकान बनाए, जिसने मटका बनाया, जिसने सुतारी के माध्यम से औजार बनाए, उसको नीच बनाया माना गया। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, जगह जगह वाद जनाब गोपा आशा पा कुंभकार का वाणी क्रात का हस्त मालाकार कुटुंबना वर्टो में चंद्र दास कोल का एतेन दस मार व्याप्त है धन्य चा गवासना लोदा च गडा च काश्याप काछे अदमा वसुद्राय दीनिवासी आबिरा कुमना लोद्रा के वर्ता चना पिता पंचशुद्रा प्रसन्नति सट्टो विदुसेव का। इस तरीके से हमारे यहाँ पे श्रमजीवी जितनी भी जातियां हैं उन सभी को शूद्र घोषित कर दिया गया, सभी को नीच घोषित कर दिया गया, सभी को पापी घोषित कर दिया गया, और सभी एक दूसरे से नफरत करने लग गए। भाई सुतार और लुहार दोनों का काम, एक सुतार है लकड़ी का काम करता है, एक लुहार है वो लोहे का काम करता है, दोनों एक दूसरे को नीच मानते, दोनों एक दूसरे का बेटी व्यवहार नहीं करते। विचार कीजिए, चंद्र कीजिए। तो लिखा सतनो रविदास जी महाराज कहते हैं, अरे जात पात के फेर में उलझे भोले भाले लोग, जात पात के फेर में उलझे भोले भाले
लोग, मानव क्यों मानव से नहीं जुड़ता जाती है एक रोग, मानव क्यों मानव से नहीं जुड़ता जाती है एक रोग, जाति अंधविश्वास समस्या मूल बताया रे, मेहनत को भगवान बना रविदास बताया रे, काशी में पैदा होकर भी पाखंडों का नाश किया, काशी में पैदा होकर भी पाखंडों का नाश किया, जाति वर्ण की दीवारों का तुमने ही भी नाश किया, जाति वर्ण की दीवारों का तुमने ही भी नाश किया, अरे सत्य कहे मीरा को भी सदमार्ग बताया रे, सत्य कहे मीरा को भी सदमार्ग बताया रे, मेहनत को भगवान बना रविदास बताया रे, मेहनत को भगवान बना रविदास बताया रे। बोलिए संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जय, संत सम्राट कबीर साहेब की जय, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। सज्जनों लास्ट में, अब हम खत्म करने से पूर्व, आपको बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई देवता नहीं हुआ, कोई ईश्वर नहीं हुआ, कोई भगवान नहीं हुआ। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, जिसको गांव में आने का अधिकार नहीं था, उसको संसद में बिठा दिया, उसको राष्ट्रपति बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको कलेक्टर बना दिया। बताइए कितना बड़ा देवता, कितना बड़ा भगवान। एक कलम से जिसने लाखों डॉक्टर पैदा कर दिए, लाखों मास्टर, लाखों मास्टरनियां, अभी हमारी माता बहनें भी टीचर बन गई। लेकिन हम अपने आप को बाबा साहब की तस्वीर लगाने में शर्माती है, स्कूलों में जयंती नहीं मनाते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी पे बाबा साहब की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाते कई जगह स्कूलों में। वहां पर हमारे तथाकथित जो SC ST OBC के टीचर होते वो भी डरते कई जगह। इसलिए सज्जनों बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलित के नहीं है, एक नोट कर लेना, केवल आदिवासी के नहीं है, केवल पिछड़ों के नहीं है, पूरे राष्ट्र के है, पूरे विश्व के है। जिस प्रकार बुद्ध जो है, हाँ, तो सज्जनों बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना बड़ा काम किया एक कलम से। उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की, उन्होंने कोई मारकाट नहीं किया, लेकिन अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से हम संकल्प लें कि हम वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे अपने समाज में। बाबा साहब ने कहा था उस जमाने में, मेरे समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील हो जाएंगे तो मेरे समाज में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, आगे चल के देखा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने परिवार में सीमित हो गया, मुझे अपने छोटे भाई से बड़े भाई से क्या मतलब, मेरी पत्नी भली और मेरे बच्चे भले, वो समाज के बारे में चिंतन नहीं करता, वो परिवार के बारे में चिंतन नहीं करता, वो सबके विकास के विषय में चिंतन नहीं करता। ये हमें नौकरी मिली, ये हमें जो अधिकार मिले, ये केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं मिले, ये सारे समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए। और कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, आज हम इंग्लैंड अमेरिका को विकसित देश मानते हैं, जापान को विकसित देश मानते हैं, क्यों मानते हैं, 100% महिलाएं पढ़ी लिखी है, 100% लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई काम करते हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो उधाड़ेगा। आज हम इतना बोलते हैं और पूरी दुनिया को चुनौती दे रखी हमने, कोई गीता पर, वेद पर, पुराण पर, उपनिषद पर, कुरान पर, बाइबल पर हमसे शास्त्रार्थ कर ले, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान सत्यानंद महाराज को हरा के बता दे, चुनौती दे रखी इंटरनेट के माध्यम से, पूरी दुनिया में कोई आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ जो हमारा मुकाबला कर सके। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत घमंड है हमें, हमने अध्ययन किया, हमने रिसर्च किया, वो रिसर्च बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। गीता पर 21 मेरा रिसर्च पेपर है, वेदों पर है, पुराण पर है, उपनिषदों पर, गीता पर, बाइबल पर, कुरान पर, सब पर हमने रिसर्च करा, खोज करा, तुलनात्मक अध्ययन किया, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मसान में, शमशान में जाकर के सोए, ये सब काम करा हमने, प्रैक्टिकल किया है। कहीं के भूत पलित को उतार दिया, कहीं को ठीक कर दिया, ये बहुत पहले मानसिक बीमारियां होती हैं, हमें पता है। तो वास्तव में क्या है, आदमी नहीं बोलता है, उसका ज्ञान बोलता है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, उनके ज्ञान था उनके पास। विचार कीजिए चंद्र के जगह, और कीजिए हमारे व्यक्ति की शादी हो गई, एक दो बच्चा बच्ची पैदा हो गया, इसके बाद वो पढ़ना छोड़ देगा, क्योंकि पत्नी संभालू, किताब संभालू। हेलो, बाबा साहब अम्बेडकर को पत्नी थी, बच्चे थे, इसके बावजूद 10 साल तक उन्होंने इंग्लैंड अमेरिका की लाइब्रेरियों को छान मारा, DSC, PSC, बारेटला, LLD, LLM, सारी डॉक्टर ऑफ साइंस, हर प्रकार की डिग्रियां हासिल की, इतनी सारी डिग्रियां क्या दे रहा। रमाबाई सोचती थी बाबा साहब इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, विचार कीजिए,
कौन सा कॉलेज? वकील बनाने की फैक्ट्री के वो प्रिंसिपल थे। हमने कितने वकील पैदा किए अभी? हमने एक सपना देखा, हमने अंबेडकरवादी बनते बहुत सारे लोग, हमने अपने बच्चों को वकील बनाने का, ला कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने का प्लान किया, पत्रकार बनाने, बड़े हर्ष का विषय कि हमारे पत्रकार आए हैं। जब तक हमारा पत्रकार नहीं होगा, टीवी पर हमारी बात, हमारे समाज की समस्या कैसे जाएगी? कानून का ज्ञान जानकार नहीं होगा, अदालतों में हमारे पे मुकदमे जो लगते हैं, उन मुकदमों से हमारे लोग कैसे बचेंगे? तो हर तहसील में प्लानिंग करें कि 10-20 लड़के हम वकील बनाएंगे, मजिस्ट्रेट बनाएंगे। वकालत का पैसा स्वतंत्र है, सरकारी नौकरी आप धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए अपने बच्चों को वकालत के पेशे में, पत्रकारिता के पेशे में, 12वीं के बाद पत्रकारिता का डिप्लोमा होता है, 3 साल का 4 साल का कोर्स, वो करवाइए। तो खेती को वैज्ञानिक तरीके से कीजिए, नए नया और अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कीजिए। अगर अंग्रेजी नहीं याद है तो फिर कुछ भी नहीं याद रहेगा, इसलिए अंग्रेजी याद होना चाहिए। और हिंदी भाषा में बहुत सारा लिटरेचर है, उसको पढ़िए। मैं कहता हूँ कि 24 घंटा अगर प्रकृति ने हमें दिया, 23 घंटा अपना काम करिए। 1 घंटा आप हमारे बताई हुई किताबें पढ़ लेंगे तो मैं बताता हूँ 1 साल में आप ज्ञानी हो जाएंगे। 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटा अगर रोज पढ़ेगा, एक, हाँ ठीक है, 1 घंटे में अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो क्या होगा,